तो हेलो गाइस, अभी केरला में आया है बिहार से, जो कि 3000 किलोमीटर है, और यहाँ पे अभी काम करने के लिए आया हूँ। और देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है तमिलनाडु में है, जो अभी बिहारियों को हिंदी बोलने वाला का जो कि बहुत बुरी तरह से जो कि मारता है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पर डर भी लग रहा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ हल्ला वल्ला नहीं है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हल्ला वल्ला नहीं हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर तमिलनाडु में कुट्टीपुरम में रहता हूँ, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। यहाँ पे हम लोगों को रहने में डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और उधर तमिलनाडु में ऐसे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। और मेरे साथ एक उस्ताद भी है जो मेरे गांव से आ गया है, मुजफ्फरपुर जिला से भी बिलोंग करते हैं। तो दोनों आदमी मैं यहीं पर काम उम करता हूँ, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है बिहार का, उन्हें एक्शन लेना चाहिए, जो कि अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है बिहार वासियों को, हम जैसे हिंदी बोलने वाला को, एक ही देश में रहता वो भी, जैसे हम लोग भी इंडिया के हैं वो भी इंडिया के हैं, लेकिन ऐसा हिंदी बोलने वालों को अत्याचार किया जाता है यहाँ पर, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं हिंदी बोलने वालों को काट दे रहा है और मारता है जान से, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि देखिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और खुशियाँ बांटें।